ये देखें जी, चाइना ने क्या चीज़ बना दी है। इसका साइज़ चेक करें, और इसमें 30 LEDs इन्होंने लगा दी हैं, और ये वाटर प्रूफ है। इसकी लाइट आपको चेक करवाता हूँ, ये देखिएगा। 3 सेकंड इसको दबा के रखना, फिर इसकी लाइट ऑन होती है। कमरे में देखें कोई लाइट नहीं है, ये देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। तो आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं, और अनबॉक्सिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, और रिव्यू मैं हमेशा उस चीज़ का करता हूं जो मैं खुद यूज़ कर चुका होता हूं, और यूज़ करने के बाद हमेशा रिव्यू देता हूं। तो ये है एक COB रिचार्जेबल की चेन लाइट। तो इस लाइट के रिव्यू जो मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे थे, तो ये मैंने चाइना से उन्होंने मुझे भेजी है, और ये वाया Draz.pk जो है ये आती है, और ये ऑलमोस्ट मुझे 25 दिन में जो है वो रिसीव हुई है। आपको फीचर्स आपके साथ इसके शेयर करते हैं। फीचर्स इसके देख सकते हैं, पीछे मैग्नेट है, और ये क्लिपर है इसका, COB फ्लड लाइट। COB की फुल फॉर्म पता नहीं है। वार्निंग इन्होंने लिखा हुआ है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो यूज़ नहीं कर सकते इसको। इसके ऑपरेशन ये है कि इसके साथ माइक्रो USB इसकी जगह Type-C इनको लिखना चाहिए, इन्होंने गलत लिखा हुआ है। बॉटल ओपनर है, और साइज़ में वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। और ये है जी एक्चुअली में लाइट, इसके अंदर आप देख सकते हैं छोटी सी इन्होंने जो 30 LED लाइट है वो लगाई है, और ये मेटल बॉडी में है, और साइड पे इसके जो है पावर ऑन ऑफ बटन है, और इधर साइड पे देख सकते हैं आपके इसको लगता है Type-C का चार्जर, और छोटी सी LED साथ इंडिकेटर है ताकि आपकी चार्जिंग अगर फुल हो जाएगी तो ये ग्रीन कलर में तब्दील हो जाएगी। और पीछे इसके छोटा सा किक स्टैंड है एक, ये देख सकते हैं आप। और मैग्नेट इसलिए होता है जिधर आप काम करें और आपके साथ कोई लाइट पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो आप उसकी कोई भी आयरन की कोई भी चीज़, लोहे की चीज़ है, तो आप उसके साथ मैग्नेट में इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ऊपर इसके क्लिपर है, अगर आप किचन के साथ अटैच करना चाहते हैं तो ये ऊपर इन्होंने स्टिकर लगाया ताकि इसकी जो ग्लास है उस पर स्क्रैचेज ना पड़े। साइड पे बोतल ओपनर है, और ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटी होने के बावजूद भी इसकी जो लाइट है, जो इसकी रोशनी है वो काफ़ी ज़्यादा, और बैटरी टाइम इसकी जो है अगर इसको 100% पे इसको यूज़ करते हैं तो बैटरी टाइम इसकी जो है वो 3-4 घंटे तक ये आराम से चल जाता है। और इसमें जो बैटरी है वो 650 mAh की इसकी बैटरी है, और अभी आपको इसका रिव्यू थोड़ा सा चेक करवाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा जो मैंने ये रिव्यूज़ देखे उन्होंने कहा जी इसकी जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसका असल में किसी को जो है वो बहुत कम लोग हैं इनको पता है। और इसको जो एक दफ़ा प्रेस करते हैं तो ये इसकी 60% लाइट है, ये दूसरी दफ़ा प्रेस किया तो ये 30% पे, उसके बाद ये एमरजेंसी के लिए होती है ये फ्लैश लाइट। और अगर इसको आप 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे ऐसे तो ये इसकी 100% पे लाइट आ गई। तो अभी आपको इसका अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट है ये। अभी आपको इसका थोड़ा सा एक रिव्यू दिखाता हूँ कि इसकी जो रोशनी है वो कितनी ज़्यादा। अभी इसके बॉक्स के अंदर देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या दिया हुआ। बॉक्स के अंदर है जी इसकी एक Type-C मेरे ख्याल में केबल है, और ये यूज़र मैनुअल होता है, तो भाई ये तो मेरे ख्याल में इनको भेजना नहीं चाहिए था, खाली पावर बटन है उसको ऑन करना तो चल जाएगी, इसमें कोई ये वैसे कोई भी नहीं पड़ता। तो ये इन्होंने साथ जो केबल दी है ये बहुत ही कोई थर्ड क्लास क्वालिटी की, मेरे ख्याल में ये भी नहीं इनको देनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी की है कि चार्जिंग केबल जो इन्होंने भेजी वरना ये क्वालिटी के साथ मेरे ख्याल में ये चार्ज नहीं होगा। Type-C चार्जर तो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि आप उसी के चार्जर के साथ इस्तेमाल करें। अभी आपको स्टोर रूम का विजिट कराते हैं, इधर तो बिल्कुल भी रोशनी का नामो निशान नहीं है। अब चेक कीजिएगा, ये देखें तो ये पाकिस्तान के लिहाज से तो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। ये किचन के साथ इसको अटैच कर लें चाबियों के साथ अपने, तो कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हैं, किसी बैग के बैग के साथ हैंग कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटी सी है लेकिन इसकी रोशनी जो है वो ज़्यादा है, तो पाकिस्तान में जो लाइट है काफ़ी ज़्यादा जाती है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये। तो अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो Draz पे इसकी जो है वो लिंक मैं नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसकी कीमत का आपको बता देता हूँ, ये मुझे मिली थी 650 रुपये में, क्योंकि Draz का वाउचर मुझे मेरे पास था 200 का, और ये लाइट की जो एक्चुअल कीमत है वो 700 रुपये ऑफ पे लगाई हुई, और जो इसकी बिफोर ऑफर इसकी प्राइस थी वो थी 1700। तो मेरे ख्याल में इस कीमत में तो ये लाइट मिलना बहुत एक गिफ्ट किस्म गिफ्ट ही हो गया Draz की तरफ से ये। तो